खरौंदी में शनिवार को शैक्षणिक व शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के नाम पर बीआरसी खरौंदी से मनमानी राशि उगाही करने के आरोप में डीआरडीए निदेशक दिनेश शुरीन तथा डीएसई मिथिलेश किरकेटा बीआरसी पहुंचकर जांच की। इस दौरान अधिकांश बीआरसी स्टाफ आकस्मिक अवकाश पर थे, जिससे अभिलेखों की जांच पूरी नहीं हो सकी। शनिवार को बीपीएम नवीन प्रकाश, बीआरपी पंकज कुमार, जेईई अनुज कुमार दुबे, आदेशपाल अजीत कुमार राम आकस्मिक अवकाश पर थे, जिस पर डीआरडीए निदेशक दिनेश सुरीन तथा डीएसई मिथिलेश करकेटा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी से स्पष्टीकरण की मांग की है। साथ ही बीआरपी राजेंद्र मेहता से 2009 में बीआरसी से कितने सहायक अध्यापकों से प्रमाण पत्र जांच में पैसा लिया गया है उसका अभिलेख मांग किया, लेकिन इससे संबंधित किसी प्रकार का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे जांच पूर्ण नहीं हो सकी। इस पर डीआरडीए निदेशक दिनेश सुरीन तथा डीएसई मिथिलेश करकेटा ने सोमवार को सारे अभिलेख के साथ जिला कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। वहीं विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र प्रसाद यादव ने डीआरडीए निदेशक तथा डीएसई से कहा, अक्सर बीआरसी से अधिकांश स्टाफ गायब रहते हैं, गायब रहने वाले बीआरसी स्टाफ पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। खरौंदी प्रखंड से चंदेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। माँ गायत्री गारमेंट्स मल्टी ब्रांडेड शोरूम, सभी प्रकार के जींस, शर्ट, बाबा सूट, कोट, पैंट, शेरवानी, लेडीज कुर्ती, प्लाजो, फैंसी गाउन सूट, क्रॉप टॉप एवं फैंसी मिडी का अनुपम संग्रह। आर गुप्ता के सामने गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, गढ़वा।